नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं नेवल शिप रिपेयर यार्ड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। यह है इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारोबार के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो अप्रेंटिस ट्रेड एलिजिबल ITI ट्रेड वाले जितने भी हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI किया हुआ होना चाहिए। अगर आप जैसे कारपेंटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ITI किया हुआ होना चाहिए कारपेंटर से, सेम ट्रेड से। टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ 14 रखा गया है और यहाँ कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है। जनरल के लिए 6 है, OBC के लिए 4, SC के लिए 3 और ST के लिए 1 रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो 25 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ 25 वैकेंसीज, फिटर के लिए 25 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसीज है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 5, मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 6 है। मैकेनिक डीजल के लिए 16, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 2, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 2, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड AC के लिए 8, पेंटर के लिए 5, प्लम्बर के लिए 8, सीट मेटल वर्कर के लिए 4, टेलर जनरल के लिए 2, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 12 और यहाँ पे रीजर के लिए 9, शिपराइट स्टील के लिए 7। टोटल जो यहाँ वैकेंसीज है 180 रखा गया है। फिर यहाँ पे वैकेंसीज एट नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसीज है 30 रखा गया है और यहाँ कैटेगरी वाइज में यहाँ पे बांट दिया गया है। तो यहाँ से आप ट्रेड का नाम देख सकते हैं, कारपेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक, फिटर के लिए है। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, प्लम्बर, पेंटर, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर के लिए रखा गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, क्वालिफिकेशन SSC पास किए हुए हैं या फिर मैट्रिक पास किए हैं या फिर 10th स्टैंडर्ड पास किए हैं, तो आपको 50% मार्क्स के साथ पास हुआ होना चाहिए और उसके साथ ही आपको ITI पास किया हुआ होना चाहिए NCVT से या फिर SCVT से। इसमें आपका 65% मार्क्स के साथ आपको ITI पास किया हुआ होना चाहिए। एज जो है यहाँ पे 14 ईयर्स मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम जो है 21 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पे एज में छूट भी मिलेगा, अगर आप SC ST चाहते हैं तो 5 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। तो हाइट जो है कम से कम आपका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है आपका 45 kg कम से कम होना चाहिए। चेस्ट आपका एक्सपेंशन करने पे 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। आई साइट आपका 6x6 से 6x9 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। स्टिपेंड आपको कितना मिलेगा ट्रेनिंग का समय वो बताया गया। तो फ्रेशर रियर के लिए आपका यहाँ 1st से 3 मंथ तक में आपको 2500 मिलेगा, 4 से 12 मंथ तक में 5000, 13 से 24 मंथ तक में आपको 5500 मिलेगा। फर्स्ट ईयर ITI सर्टिफिकेट होल्डर लोगों के लिए 1 से 12 महीने तक 7700 मिलेगा। सेकेंड ईयर ITI सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 1 से 12 मंथ तक 8050 रुपये मिलेगा। सेलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका यहाँ पे मैट्रिक का एग्ज़ाम और ITI का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा सके। तो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका जनवरी 2024 में होगा। रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपका मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल साइंस से 20, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स रहेगा, मतलब 1.5 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। द क्वेश्चन पेपर जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाएगा और एग्ज़ाम लेने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा ताकि आपको बुलाया जा सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू जो पूछा जाएगा आपका टेक्निकल स्किल से पूछा जाएगा और उसके बाद टेक्निकल स्किल होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर जो मिलेगा वो आपका ईमेल ID पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 मेरिट लिस्ट बनेगा, एक बनेगा नेवल शिप रिपेयर यार्ड का और दूसरा बनेगा कारवार एंड 1 फॉर नेवल एयरक्राफ्ट का। तो अगर आप एप्लीकेबल हैं तो जल्द से जल्द यहाँ जाके ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इससे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।